अस्सलाम वालेकुम। एक भाई ने मुझसे जो है वो क्वेश्चन किया है कमिट में कि SMIT में करवाते क्या हैं और जो है वो उसमें फ्रंट एंड बैक एंड का क्या है, क्या तरीका है उसमें, और उसमें इसका रोड मैप क्या है ना SMIT का। तो देखिए, मैंने जो कोर्स किया था ना वो वेब एंड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कोर्स था। तो इसमें तकरीबन मैं जो वो इसमें 8 महीने का कोर्स भी होता है और 1.5 साल का भी कोर्स होता है ना। 8 महीने या 1 साल का जो कोर्स है वो बेसिकली हफ्ते में 3 दिन जाना होता है, और जो 1.25 साल या 1.5 साल का जो कोर्स होता है वो क्या होता है कि वो हफ्ते में 1 दिन जाना होता है। उसके बरस हफ्ते में 3 दिन जो होता है वो 8 महीने में या 1 साल में फिनिश हो जाते हैं। अच्छा, इस पर रोड मैप ये है कि देखो, इसमें शुरू में जो 2 मॉड्यूल्स होते हैं ना इसमें, शुरू में फर्स्ट जो मॉड्यूल उसमें सिखाई जाती है HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript और फायरबेस सिखाई जाती है। और फायरबेस के ज़रिए आप जो है वो होस्टिंग कर सकते हैं और ये डेटाबेस भी है, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट मॉड्यूल ना। अच्छा, तो सेकंड मॉड्यूल में क्या होता है कि रिएक्ट सिखाई जाती है, मंड सिखाया जाता है, रिएक्ट सिखाई जाती है, नोट जेएस सिखाई जाती है, एक्सप्रेस जेएस इसका फ्रेमवर्क है, और उसमें ये क्या है कि इसमें MongoDB भी सिखाई जाती है ना, ठीक है जी। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है कि बेसिकली ये तो हो गई 4 चीज़ें ना। अब यहाँ पर क्या है कि रिएक्ट नेटिव भी सिखाई जाती है, लेकिन अभी जो है वो फ्लटर भी सिखाई जा रही है ना, जिससे सर इसाक बुझाएँ सब जो है वो सर फ्लटर भी सिखा रहे हैं। अब ये तो हुई मोबाइल एप्लीकेशन की तरफ। अब रही बात इस चीज़ की कि अभी जो है वो रिएक्ट की जगह जो आपको पता है कि नेक्स्ट जेएस आ चुकी है ना, तो अभी जो है वो नेक्स्ट जेएस भी ये लोग सिखा रहे हैं। तो शुरू से नेक्स्ट जेएस से लेकर चल रहे हैं, लेकिन ये कि अभी तक जितने भी जो वो टीचर्स हैं वो अभी रिएक्ट सिखा रहे हैं ना। तो जब आप रिएक्ट आ जाएगी उसके बाद जो आपको नेक्स्ट जेएस भी आ जाएगी। तो ये भी बेसिक रोड मैप है जिसमें फ्रंट एंड भी है और बैक एंड दोनों चीज़ें जो है वो इस पर मौजूद हैं। तो पहले मॉड्यूल में HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript और Firebase पर, और दूसरा जो है वो मंड पर है। उसके बाद मोबाइल एप्लीकेशन जिसमें रिएक्ट नेटिव होती है या फिर जो वो फ्लटर सिखाई जाती है। इसके बरक्स यूनिवर्सिटी में जो वो जावा में सिखाई जाती है मोबाइल एप्लीकेशन अक्सर, तो वो यूनिवर्सिटी वाले तो बिल्कुल जो वो एडवांस लेवल पर नहीं होते, लेकिन SMIT वाले जो वो काफ़ी एडवांस जो वो जा रहे हैं। और इस पर यह कि मैं खुद पास आउट हो चुका हूँ और मैंने इंटर्नशिप भी कर ली है इसमें कंपनीज में, लेकिन ये कि सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए आपको जो है वो इंटर्नशिप करनी लाजमी होगी। 2 महीने की इंटर्नशिप होगी या फिर जो वो 2-3 महीने की होती है, या फिर क्या होता है कि इस पर $100 आपको कमाने पड़ते हैं, ठीक है ना। $100 अगर आप कमाएंगे तो फिर आप जो है वो इनका जो सर्टिफिकेट होता है वो आप हासिल कर लेंगे, वहाँ आपको इंटर्नशिप करनी होगी। अब इंटर्नशिप 2 महीने की होती है तो इस तरह ना, तो ये चीज़ें हैं। तो बाकी आप भी जो है एडमिशन ले लीजिए। अभी जो वो इनका स्टेडियम में जो वो टेस्ट होने जा रहे हैं, तो जिन्होंने जो वो पे एडमिशन लिया ना, उसके बाद जाकर इनका जो है वो फाइनल होगा, जो भी पास आउट होंगे फिर वो जो वो दीगर जो एप्लीकेशन में इनरोल हो सकते हैं।